हमारे प्यारे मित्रों आज के इस वीडियो में हम स्टेयर केस के लिए कॉन्क्रीट का कैलकुलेशन करना सीखेंगे अगर हम स्टीयर केस के लिए कॉन्क्रीट का कैलकुलेशन करते हैं तो उसके बाद हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि एक स्टेयर केस को बनाने में कितना सीमेंट सैंड और एग्रीगेट लगेगा तो आज हम कंक्रीट का कैलकुलेशन सीखने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेयर केस का जो अलग अलग पार्ट है उसका क्या नाम है सबसे पहले वो नाम को हम जानेंगे उसके बाद हम बात करेंगे क्या डायमेंशन है हमारा जो स्टेयर केस का जो अलग अलग पार्ट है उसका क्या डायमेंशन हमने लिया हुआ है उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले वेस्ट स्लेब का हम कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद स्टेप्स का और उसके बाद लैंडिंग का और लैंडिंग बीम का हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल को कैलकुलेट करने के बाद हमारा टोटल क्वांटिटी निकल के आ जाएगा कि कितना कंक्रीट लगता है एक स्टेयर केस को बनाने में तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए स्टेयर केस का कंक्रीट कैलकुलेट कर रहे हैं या अपने घर में अगर आप स्टेयर केस बना रहे हैं और उसके लिए कंक्रीट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सेम कैलकुलेशन होने वाला है बस जो डायमेंशन होगा वो आपका चेंज होगा तो आप पूरा कैलकुलेशन को ध्यान से देखें और जो भी स्टेप्स हमने बताए हैं उसको फॉलो करें तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टेयर केस का जो अलग अलग पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं सब सबसे पहले हमारा प्लिंथ बीम होता है और प्लिंथ बीम से ही कनेक्ट करके हम स्टेयर केस को बनाते हैं तो ये हमारा हो गया प्लिंथ बीम और प्लिंथ बीम के बाद ये हमारा ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं वेस्ट स्लैब ये जो हमारा पार्ट आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं वेस्ट स्लैब और जहाँ पे हम पैर रखते हैं ये पूरा पार्ट को हम स्टेप बोलते हैं एक स्टेप तो यहाँ पे हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो हमारा यहाँ पे टोटल दस स्टेप्स है आगे बात करेंगे ये जो हमारा पार्ट है इसे हम बोलते हैं लैंडिंग और यहाँ पे जो हमारा बीम होता है उसे हम बोलते हैं मिड लैंडिंग बीम उसके बाद फिर से जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो हमारा फिर से स्टेप्स आएगा तो फिर से हमारा दस स्टेप्स है छत में पहुँचने के लिए और फिर से हमारा वेस्ट स्लैब यहाँ पे होगा उसके बाद जो हमारा बीम आता है इसे बोलते हैं हम रूफ बीम या स्लैब बीम जो भी हम स्लैब में बीम प्रोवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं रूफ बीम या स्लैब बीम बोलेंगे हम तो चलिए अब हम डायमेंशन के बारे जानते हैं कि किसका कितना साइज हमने लिया हुआ है तो यहाँ पे हमने प्लिंथ बीम का और स्लैब बीम का कैलकुलेशन नहीं किया है वो अलग पार्ट है हम यहाँ बस स्टेयर केस का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले वेस्ट स्लेब जो हमारा है उसका डायमेंशन जानते हैं तो ये जो लेंथ है हमारा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ बीम से ले लैंडिंग तक का जो लेंथ है वो हम कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके तो वेस्ट स्लेब का जो हमने थिकनेस लिया है जो मोटाई है वो है डेढ़ सौ एम हमने लिया हुआ है जीरो पॉइंट वन फाइव मीटर 0.15 मीटर अगर हम मीटर में बात करें तो 0.15 मीटर होगा और एम mm एम में चेंज करेंगे तो डेढ़ सौ एम इसका थिकनेस है तो आगे बात करते हैं स्टेप्स के बारे में तो ये जो हमारा है ये जो पार्ट है हमारा जहाँ पे हम पैर रखते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रेड और ट्रेड का जो हमारा व्रत है वो है ढाई सौ एम मीटर हमारा व्रत है और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये जो ऊँचाई है ये जो हाइट है इसे हम बोलते हैं राइजर तो राइज़र हमने लिया है ज़ीरो पॉइंट वन फाइव मीटर यानी कि डेढ़ सौ एम एम तो हमारे पास यहाँ टोटल दस स्टेप्स हैं और ऊपर में दस स्टेप्स हैं मतलब बीस स्टेप्स हमारा टोटल है और दो वेस्ट स्लैब हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो व्रर्थ है वो है ग्यारह सौ पचहत्तर एम एम वन पॉइंट वन सेवन फाइव मीटर तो ऊपर का भी साइज सेम है अब बात करते हैं लैंडिंग के बारे में तो लैंडिंग का हमने तो लैंडिंग का हमने साइज़ लिया है बारह सौ एम एम बाई चौबीस सौ एम एम इधर का जो लेंथ होगा हमारा वो बारह सौ एम एम होगा वन पॉइंट टू मीटर और इधर का जो लेंथ होगा हमारा वो होगा चौबीस सौ mm, एम एम मतलब कि टू पॉइंट फोर मीटर और यहाँ पे जो हमारा बीम है वो बीम का साइज़ है टू फिफ्टी इंटू थ्री हंड्रेड एम एम ढाई सौ बाई तीन सौ एम एम का हमारा बीम का साइज है तो सारा हमने डायमेंशन देख लिया है अब बढ़ते हैं कैलकुलेशन की ओर तो चलिए सबसे पहले वेस्ट स्लेब का वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ हमें नहीं मालूम है ये पार्ट हमें कैलकुलेट करना है यहाँ का थिकनेस हमें पता है यहाँ का विर्थ हमें पता है लेकिन यहाँ का लेकिन यहाँ का लेंथ मुझे नहीं पता है अगर यहाँ का लेंथ मुझे पता होगा तो पूरा वेस्ट स्लेब का हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं तो आइए देखते हैं कि इसका लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो बचपन में आपने पाइथागोरस फार्मूला पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रेंगल के लिए हम पाइथागोरस फार्मूला का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक राइट एंगल ट्रेंगल है कैसे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन हम लेते हैं और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हम लाइन लेते हैं तो इस पार्ट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये पार्ट हमारा होता है बेस और ये जो लेंथ है जिसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस तो हमारे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू है बेस का वैल्यू है और हमें कैलकुलेट करना है ये हाइपोटेनस का लेंथ तो अब देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर का जो हाइट है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक राइज़र आपको दिख रहा है तो एक राइजर का हाइट है जीरो पॉइंट वन फाइव मीटर यानी कि डेढ़ सौ एम तो अगर हम टोटल राइज़र को ऐड करते हैं तो क्या हमारा ये पूरा लेंथ निकल के आएगा अगर हम टोटल राइज़र के हाइट को ऐड करते हैं तो क्या ये परपेंडिकुलर का हाइट निकल के आएगा ये हमारा एक हुआ डेढ़ सौ एम ये डेढ़ सौ ये डेढ़ सौ ये डेढ़ सौ ये डेढ़ सौ ऐसे करते करते यहाँ तक का जो हमारा हाइट है तो टोटल को ऐड करने पे हमारा जो लेंथ निकल के आ रहा है जो परपेंडिकुलर का वैल्यू निकल के आ रहा है वो है वन पॉइंट फाइव मीटर ठीक इसी तरह से हम बेस को भी कैलकुलेट करेंगे तो बेस के लिए आप यहां से लेकर यहाँ तक का हमें लेंथ चाहिए तो ठीक इसके ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड है ट्रेड का व्रथ हमने कितना लिया है जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर तो एक ट्रेड हमारा यहाँ पे है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये ऊपर वाला यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस होगा वो दस तो टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा बेस का लेंथ निकल के आ रहा है टू पॉइंट फाइव मीटर तो हमारा परपेंडिकुलर का हाइट है वन पॉइंट फाइव मीटर और बेस का हाइट निकल के आ रहा है टू पॉइंट फाइव मीटर अब हम पाइथागोरस फार्मूला से ये हाइपोटेनस का लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे तो पाइथागोरस का फार्मूला होता है एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर तो अगर हम हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है स्क्वायर को हटाएंगे, तो वो दूसरे साइड जाके रूट में चेंज हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पी परपेंडिकुलर 1.5 मीटर है हमारा तो 1.5 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर तो टोटल को हम कैलकुलेट करेंगे 2.92 मीटर हमारा लेंथ निकल के आ रहा है हाइपोटेनस का मतलब कि ये वाला लेंथ ये लेंथ हमें मिल गया तो अब हम वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो ये लेंथ 2.92 पॉइंट ये विर्थ हमारा 1.175 पॉइंट इसका थिकनेस 0.15 पॉइंट इक्वल टू 0.51 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर हमारा एक वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम निकल के आया ठीक इसी तरह से हमारे पास और एक वेस्ट स्लैब है तो इनटू टू करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वन पॉइंट जीरो टू मीटर क्यूब तो हमने वेस्ट स्लैब के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट किया वन पॉइंट जीरो टू क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब तो चलिए लैंडिंग का हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो लैंडिंग का जो आप सेप देख रहे हैं इस शेप को बोलते हैं क्यूबॉइड और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का तरीका है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट उसका ऊंचाई तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा क्यूबॉइड है जो हमारा लैंडिंग है उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा तो 1.2 मीटर इंटू टू मीटर इंटू जो इसका थिकनेस है जीरो मीटर टोटल को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है जीरो मीटर क्यूब तो ये हमारा लैंडिंग का वॉल्यूम निकल गया तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं बीम को मिड लैंडिंग बीम को तो मिड लैंडिंग जो बीम है हमारा उसका साइज हमने लिया था ढाई सौ एम एम बाई तीन सौ एम एम तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन मीटर में कर रहे हैं तो टोटल को हम मीटर में चेंज करेंगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू जीरो पॉइंट थ्री इंटू बीम का जो लेंथ है टू पॉइंट फोर मीटर इक्वल टू जीरो पॉइंट वन एट क्यूबिक मीटर तो चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स तो सबसे पहले एक स्टेप का हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे उसके बाद वॉल्यूम जो हमारा निकलेगा उसे टोटल स्टेप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल स्टेप्स का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा तो टोटल हमारे पास स्टेप्स है ट्वेंटी ट्रेड का जो साइज है जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर राइजर का साइज़ है जीरो पॉइंट वन फाइव मीटर और जो हमारा विर्थ है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा विर्थ है वह है वन पॉइंट वन सेवन फाइव मीटर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन में ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा ट्रेंगल का पार्ट है आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रेंगल है और ट्रेंगल का एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जो हम फार्मूला का यूज करते हैं वो है हाफ वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट तो हमारा यहाँ पे बेस है ट्रेड और हाइट है राइजर तो हम आसानी से आ, एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे तो चलिए पहले एरिया को कैलकुलेट करते हैं वन बाई टू इंटू जो ट्रेड हमारा जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू राइजर जीरो पॉइंट वन फाइव मीटर तो हमारा कैलकुलेशन करने पे जीरो पॉइंट जीरो वन एट मीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकल के आया अब एरिया तो हम कैलकुलेट कर लिए हैं तो एरिया तो को अगर हम पूरे लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा तो जीरो पॉइंट वन एट इंटू जो हमारा टोटल लेंथ है वन पॉइंट वन सेवन फाइव तो हमारा वॉल्यूम निकल के आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो टू वन मीटर क्यूब तो ये हमारे पास आ गया एक स्टेप का वॉल्यूम तो टोटल हमारे पास ट्वेंटी स्टेप्स हैं तो ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वॉल्यूम को तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है जीरो पॉइंट फोर टू मीटर क्यूब मतलब कि जो टोटल स्टेप्स हैं उसमें हमारा कंक्रीट का क्वांटिटी आ रहा है ज़ीरो पॉइंट फ़ोर टू मीटर क्यूब तो हमने स्टेयर के सारे पार्ट को कैलकुलेट किया वेस्ट स्लेब का वॉल्यूम आ रहा है वन पॉइंट ज़ीरो टू मीटर क्यूब स्टेप्स का वॉल्यूम आ रहा है जीरो पॉइंट फोर टू मीटर क्यूब लैंडिंग का वॉल्यूम आ रहा है जीरो पॉइंट फोर थ्री टू मीटर क्यूब मिड लैंडिंग बीम का आ रहा है जीरो पॉइंट वन एट मीटर क्यूब टोटल को ऐड करते हैं तो टू पॉइंट जीरो फाइव टू मीटर क्यूब हमारा कंक्रीट का क्वांटिटी निकल के आ रहा है जो कि हमारा एक स्टेयर केस में लगेगा अब स्टेयर केस के लिए हमने कंक्रीट को कैलकुलेट कर लिया अब जो कंक्रीट का क्वांटिटी आया है उसे सीमेंट सेंड और एग्रीगेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं आई बटन में लिंक है वहाँ पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि वॉल्यूम से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सीमेंट सेंड एग्रीगेट को तो वहाँ से आप वीडियो जाकर देख सकते हैं अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद